वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए, ठीक है। आप लोगों को एक अच्छी सूचना तो मिल चुकी है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चे लाइव हैं। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः तहे दिल से बीसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन क्लासेस में प्लेटफॉर्म में सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन मैं आपका करती हूं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और फटाफट से लाइव आ जाइए बच्चों और शेयर कर दीजिए क्लास को मैक्सिमम। हम लोगों की तैयारी चल रही है और चलती रहेगी, जैसा मैंने आपको कमिट किया है कि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर मैं आई हूं, जो कि चलते रहेंगे एग्जाम तक। फटाफट से लाइव आ जाइए बच्चों, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन ताकि आपके मिस ना हो, ठीक है। और उसके अलावा क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। तो आज हमें क्या पढ़ना है, अभी तक मैं आपको दो यूनिट पढ़ा चुकी हूँ। पहली यूनिट है आपकी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दूसरी यूनिट थी हमारी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके किए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं हमारी इसी यूट्यूब के वीडियो के अंतर्गत। आपको नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट वाली यूनिट। जय श्री राम, ठीक है। मृत्युंजय, जय श्री हनुमान, जय राम, जय भोलेनाथ सारे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और रह गए एक दो कुछ। तो अब हम आपको आज हम मैनेजमेंट वाली यूनिट शुरू करेंगे, और उससे पहले आज आंसर भी हिंदी में देंगे मंजू, ठीक है। आंसर भी हिंदी में देंगे, ओके, डोंट वरी, बने रहिए। आपकी जो भी डाउट्स है ना वो सब मैं सॉल्व करने वाली हूँ, आप लोग बने रहिए यहीं पर, ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आने वाली है, इवनिंग वाली क्लास सुबह होने लगी है बेटा, आपको नोटिफिकेशन डाल दिया है। सुबह 9 से 11 में क्लास लेती हूँ, डेली लाइव रहती हूँ, और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया आज आपको, लाइब्रेरी यूजर का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस मैंने आज कराए आज वाली क्लास में। जितने भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड है जाकर देखना, 2 घंटे से ज्यादा का मैंने सेशन लिया है, 2.5 आवर्स का, लगभग ढाई घंटे का है, तो आप लोग जरूर से जाकर देखना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लिएस्ट फॉर्म, किस संगठनात्मक संरचना को सबसे पुराना फॉर्म माना जाता है, ठीक है, किस संगठनात्मक संरचना को सबसे पुरानी संगठनात्मक संरचना के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी परियोजना संगठन, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर यानी नौकरशाही आपका जो संगठन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी विभागीकरण, या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका संगठन। बताइए बच्चों, फटाफट बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे पुराना, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिडर टू बी द अर्लिएस्ट फॉर्म, सबसे पुराना संगठन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा संगठन का रूप आप मानते हैं, फटाफट बताइए बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, वेरी गुड। सबसे पहले राहुल वर्मा का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेटिक, नौकरशाही। नौकरशाही का जमाना कब था, पुराने समय में, ठीक है, मालिक था और नौकर था। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेट में आया, डिपार्टमेंटलाइजेशन और भी लेट में, एंड मैट्रिक्स वाली जो बात कर रहे हो वो तो काफी लेटेस्ट चीजें हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट आंसर इज ब्यूरोक्रेटिक या नौकरशाही, ओके। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज द
अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शेयर कर दीजिए बच्चों क्लास को, फटाफट शेयर कर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं देती रहूंगी क्लास के बीच बीच में आज, क्योंकि बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एट द लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू, कम से कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सर्वश्रेष्ठ रीडिंग का सिद्धांत। एग्जाम का क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज थी हिंदी में ही, मैं भी तो यही लैंग्वेज में आपको दूंगी, जिससे कि जो कंफ्यूजन होता है आपको वो नहीं हो, वो किस पे लागू होता है, सर्कुलेशन पे, मेंटेनेंस पे, एक्विजिशन ऑफ बुक्स या क्लासिफाइंग ऑफ बुक्स, परिसंचरण, मरम्मत विभाग, अधिग्रहण किताबों का या पुस्तकों का वर्गीकरण, कहां पर लागू होता है, फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर दो, दो में सी दे रहे हैं बच्चे मेंटेनेंस पे, और मृत्युंजय सिंह कह रहे हैं ए सर्कुलेशन पे, सारे गलत हो, एक ही गुरेवा ने सही जवाब दिया है, एक्विजिशन इज द राइट आंसर। आपका पुस्तक चयन एवं अधिग्रहण विभाग में जो पुस्तक चयन के सिद्धांत है वो कहां किस विभाग में जाते हैं, पुस्तक चयन एवं अधिग्रहण विभाग, यही जाते हैं ना, पुस्तक चयन एवं अधिग्रहण विभाग। तो ये एक्विजिशन यानी अधिग्रहण विभाग, ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, मेलविल डीवी, कब दिया था, 1876 में, पब्लिश कब हुआ, 1879 में, किसने पब्लिश किया, ALA ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। तो ये है एक्विजिशन या बुक सिलेक्शन का सिद्धांत। अब देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई और आपका आधे बच्चों का आंसर गलत था, था कि नहीं, आपने खुद देखा जरा सी लैंग्वेज चेंज हुई और आप लोगों ने, थैंक यू कामना, आई एम हैप्पी टू सी यू हेयर टूडेज योर लाइफ। बिल्कुल, चलिए अब हम आते हैं थैंक यू कामना वंस अगेन। व्हाइट सीमेंट तो व्हाइट सीमेंट ही होता है ना, नो रॉन्ग, एक्चुअली ये एक 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन है जो शुरू हुआ था 20 साल पहले इंडिया में, जब बिरला व्हाइट ने पुट्टी में इन्फ्यूज किया व्हाइट सीमेंट, फ्लेकिंग ऑन, मजबूती ऑन। वाह, इंडिया में ऐसा टेक, व्हाइट सीमेंट वाटरप्रूफिंग में भी, दीवारों पे लगाओ, सीपेज भगाओ, सीप गार्ड वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस। ये देखिए व्हाइट सीमेंट के मैजिक से बनाया प्राइमर कोट प्राइमर, प्लास्टर ढके, पेंट निखरे, व्हाइट सीमेंट को कोई भी रोल दे दो, एकदम वर्सेटाइल, बिल्कुल हमारी तरह। तो जब दीवारों की बात हो, व्हाइट सीमेंट का एडवांटेज लो, बिरला व्हाइट का व्हाइट सीमेंट एडवांटेज। मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, मुझे आना चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What type of decisions are normally undertaken by the top level? बहुत important है, जो प्रबंध के स्तर हैं, वो तीन स्तर हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रबंध के लेवल या प्रबंध के स्तर, levels of management, levels of management में top, middle and operational, top, middle and operational, यानी उच्च, मध्यम और कार्यशील स्तर, उच्च, मध्यम और कार्यशील स्तर। यहां मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, जो टॉप मैनेजमेंट काम करता है वो क्या पहले से योजनाबद्ध होते हैं या अयोजनाबद्ध होते हैं या स्ट्रक्चर यानी संरचित होते हैं या इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताइए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर तीन, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर तीन। हाँ बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मुझे यहां से बोर्ड से सॉल्व पीडीएफ डलवानी है तो वो मैं आज डलवा दूंगी आपका। सात क्लास हो गई, सातों क्लास दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे, सातों क्लास की यूट्यूब चैनल लिंक और यूट्यूब के साथ साथ आपको पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगी, आज मेरा कमिटमेंट है। ओके बिल्कुल आपको 10 बजे तक मिल जाएगी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले रहे हैं, एप्लीकेशन बीसी ऑनलाइन क्लासेस है, बीसी ऑनलाइन क्लासेस है वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो क्लासेस, ठीक है। ए कह रहे हैं बच्चे प्रोग्राम, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, फटाफट बताइए गलत है ये तो। ममता गुप्ता कह रही है सी, वो भी गलत है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फिर कैसे गलत करते हो तुम। हाँ अभिष फटाफट फटाफट बताइए क्या आएगा क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, बताइए जल्दी से। तो आंसर है आपका बी, राइट आंसर है, अनिल कुमार गुरेवा ने याद किए हुए हैं। नॉन प्रोग्राम जो टॉप लेवल वाले व्यक्ति डिसीजन लेते हैं वो नॉन प्रोग्राम है, पहले से प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने जो डिसीजन लेना है लेना है, प्रोग्राम तो वो बनाते हैं, एक्चुअल में वो प्रोग्राम ही बनाते हैं। टॉप लेवल के जो व्यक्ति है वो निर्णय लेते हैं वो प्रोग्राम बनाने वाले ही होते हैं, योजना बनाने का कार्य इसी स्तर पर किया जाता है, तो वो जब योजना बनेगी तब बनेगी, पहले क्या है नॉन प्रोग्राम्ड। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज लैंग्वेज हमने उठाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग प्रिंसिपल्स वर प्रपोज्ड बाय, पुस्तकालय भवन योजना सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, हेनरी फॉल्कर, रुडयार्ड किपलिंग, रंगनाथन या कोई नहीं। फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर, बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, रुडयार्ड किपलिंग। फोर का आंसर बताइए बच्चों, सी दे रहे हैं रंगनाथन। सोनी मिश्रा दे रही है ए, ऐसा दे रहे हैं, सारे गलत हैं। नेहा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हेनरी फॉल्कर। बच्चे लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये बनाए हैं हेनरी फॉल्कर ने, जो आईएएस स्टैंडर्ड है आईएएस 1553, ये सारे दिए गए हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड प्रिंसिपल्स हेनरी फॉल्कर के द्वारा। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, जो लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग प्रिंसिपल्स यानी कि जो आईएएस स्टैंडर्ड दिए गए हैं, दैट वाज गिवन बाय हेनरी फॉल्कर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और वो क्वेश्चन है हमारा पांच। थ्री कार्ड सिस्टम वॉज प्रपोज फॉर, जो थ्री कार्ड सिस्टम है वो किसके लिए प्रस्तावित किया गया था, बुक्स किताबों के लिए, माइक्रोफॉर्म के लिए, पीरियोडिकल मेंटेनेंस यानी सामयिक प्रकाशनों की मरम्मत करने के लिए, या पेटेंट या एकस्व के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर पांच, शेयर कर दीजिए बच्चों वीडियो को, आज बच्चे ज्यादा नहीं क्यों आए हैं, शेयर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर पांच। गुड इवनिंग मीना मेघवाल, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका, इसमें कहीं किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही जवाब है पीरियोडिकल्स। थ्री कार्ड सिस्टम के प्रणेता थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कार्ड का जो साइज था वो था 6x4, जो पहला कार्ड था वो था रजिस्टर कार्ड, दूसरा कार्ड था वो था चेक कार्ड और तीसरा था क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड या क्लासिफाइड कार्ड। रजिस्टर्ड कार्ड अल्फाबेटिकली
एंट्री होती थी इसमें, इसी प्रकार चेक कार्ड में अल्फाबेटिकल एंट्री और क्लासिफाइड कार्ड में कॉल नंबर से एंट्री होती है। सो द राइट आंसर इज पीरियोडिकल मेंटेनेंस के लिए 3 कार्ड पद्धति है, उसके प्रणेता थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 6, पीपीबीएस का संबंध किससे है? पीपीबीएस स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग पर्सनल बजट सिस्टम, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव। फटाफट बताइए बच्चों, पीपीबीएस इज रिलेटेड विद, पीपीबीएस इज रिलेटेड विद बी। बिल्कुल सही जवाब है, पीपीबीएस का फुल फॉर्म है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। 1961 में यूएस डॉस यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डॉस के मैकनामरा के द्वारा, यूएस डॉस यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिपार्टमेंट ऑफ नेवी भी इसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के ये थे रॉबर्ट मैकनामरा, इन्होंने ये बजट बनाया था प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। ठीक है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम का निर्माण किया था यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के थे ये यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, के रॉबर्ट मैकनामरा के द्वारा ये किया गया था। सो द राइट आंसर इज प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम 1961। ठीक है, इसके चार, इससे पूछा जाता है आपसे कि इसके कौन कौन से चार स्तर हैं, तो इसके चार स्तर हैं प्लान करना, प्रोग्राम करना, बजट बनाना और सिस्टमैटिक प्रणाली के आधार पे तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंफॉर्मेशन मार्केटिंग वॉज इनिशिएटेड बाय। सूचना वितरण में, सूचना विपणन में, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग में गैर लाभकारी संगठन की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? गैर लाभकारी संगठन की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ब्लेस क्रोनिन, पीटर कोटलर, आर एम कर्च या हेरोल्ड कुंच। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, बिल्कुल सही बोला आपने, मैकनामरा बिल्कुल सही है। 61 है बेटा, 70 में है पीटर हियर गुरेवा। रेट्रो राइट एंड वर्सो लेफ्ट, मैंने भी यही बोला है, आपने गलत सुना है गौरव। चलिए अब हम आते हैं बच्चों, फटाफट आइए फटाफट। तो अब ये हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसने दिया है? 7 का डी कह रहे हैं बच्चे, 7 का डी आंसर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई बच्चे कह रहे हैं बी आएगा आंसर, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी आएगा आंसर, कुछ बच्चे कहेंगे 1960। बिल्कुल सही है वर्षा नागर, वर्षा नागर कह रही है 7 का डी आंसर। भावना राहुल वर्मा कह रहे हैं कुंज, बिल्कुल सही जवाब है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो हेरोल्ड कुंज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन या मार्केटिंग मिक्स की एक अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन मैनेजमेंट टेलर इज एसोसिएटेड विद, अब बताइए टेलर का संबंध किससे है? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन या सोशल सिस्टम। इन मैनेजमेंट टेलर इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल स्कूल, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण वाला स्कूल या मानव संबंधों वाला स्कूल या सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली। फटाफट बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट बताइए बच्चों, 8 का आंसर दे रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है ए। अब देखिए, आप कहते हैं जो टेलर है वो संबंधित थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से, बिल्कुल साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड थे, क्लासिकल स्कूल से रिलेटेड थे। यहां फर्क देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड थे टेलर, और जो थ्योरी थी वो उनकी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की थ्योरी थी। एक्चुअल में क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है वो है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम बच्चों, और क्वेश्चन है आपका LMBO इज एसोसिएटेड विद, LMBO किसके साथ है, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव। फटाफट बताइए बच्चों, LMBO किसके साथ जुड़ा हुआ है, मटेरियल के मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, अभी बताऊंगी बेटा, मॉडर्न भी आएगा। इसका आंसर बताओ आप, 9 क्वेश्चन 9, बहुत ध्यान से आंसर देना, बहुत सरल है लेकिन आप गलत कर सकते हो। LMBO का नाम किससे जुड़ा हुआ है, मटेरियल का मैनेजमेंट है या पर्सनल का मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल का मैनेजमेंट है या नन ऑफ द अबव। नहीं पता, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ये MBO है, नॉट LMBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। किसने बनाया है, मैनेजमेंट, अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाय ऑब्जेक्टिव्स, आते हुए गलत करते हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है बच्चों, सेट का एग्जाम 19 मार्च डेट आ चुकी है बेटा, राजेश कुमारी। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसका सिद्धांत है, पीटर एफ जकर 1954, बिल्कुल सही, 1954 में पीटर एफ जकर ने दिया था। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, मार्केट मिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन प्राइसिंग कम्युनिकेशन एंड, बताइए मार्केट मिक्स है, जो मार्केट मिक्स है उसके अंतर्गत 4 P होते हैं, मार्केट मिक्स में 4 P होते हैं, इसको 4 P's भी कहा जाता है। अब ये 4 P's में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, कॉस्टिंग या प्रोडक्शन क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या नहीं है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कॉस्टिंग या प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट। बताइए फटाफट बच्चों क्या आएगा इसमें से, क्वेश्चन नंबर सी दे रहे हैं बच्चे, कॉस्टिंग गलत है बच्चों। यहां पर अगर मैं प्राइस दे दूं फिर बताइए, अब बताइए ये कॉस्टिंग नहीं है, ये प्राइस है, अब बताइए। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, किस जगह का है, प्राइस क्या है एंड प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइजिंग। सो
सो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिलेटेड विद मार्केट मिक्स. राइट आंसर होगा बच्चों इसका ए. याद कर लीजिए जो फोर पीज हैं मार्केट मिक्स के अंतर्गत, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. तो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग तो आ गया प्रमोशन में आपका, प्राइस में आ गया आपका कॉस्टिंग, प्रोडक्शन में आ गया प्रोडक्ट, और प्लेस इसमें नहीं है. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एडवर्टाइजिंग तो है प्रमोशन का, पर डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण एडवर्टाइजिंग का पार्ट है. सो द राइट आंसर इज ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. जॉन ड्यूरे इज कनेक्टेड विद, जॉन ड्यूरे किससे कनेक्टेड है, किससे जुड़े हुए हैं, चार्जिंग सिस्टम से, बुक सिलेक्शन से, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से या लाइब्रेरी कैटलॉग से. बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जॉन ड्यूरे किससे जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11. जॉन ड्यूरे किससे जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल बलराम बिल्कुल सही हो तुम. बुक सिलेक्शन बिल्कुल सही जवाब दिया है. ठीक है, इसको एफ के डब्ल्यू ड्यूरे है, ये जो ड्यूरे हैं वो बुक सिलेक्शन से या पुस्तक चयन से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिया. ठीक है, इनका सिद्धांत दिया था इन्होंने 1925 में. क्या सिद्धांत दिया था, उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त समय पर उपयुक्त या श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना. उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त समय पर श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये है आपका बुक सिलेक्शन का सिद्धांत. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है. डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज कॉइंड बाय, पुस्तक चयन का मांग और पूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था. पुस्तक चयन का मांग और पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था. अच्छा वर्षा कह रही है 1930 होगा. हाँ हाँ बच्चों ये 1930 होगा, मांग पूर्ति का सिद्धांत है ना, वो 1925 आएगा. बिल्कुल सही है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है 1925, और जो वो अभी हमने पढ़ा था ड्यूरे का सिद्धांत वो है 1930. बिल्कुल सही है बच्चों, ड्यूरे का सिद्धांत 1930 और ये 1925 में दिया है. डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ये डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, ये किसने दिया है, एल आर मैकाल्विन ने. एल आर मैकाल्विन के द्वारा दी गई है. ये क्या है, उन्होंने कहा है पुस्तकें स्वयं में कुछ भी नहीं है, पुस्तकें स्वयं में कुछ भी नहीं है जब तक कि उनको मांग के द्वारा, जब तक कि उनको मांग के द्वारा उपादेय यानी कि उपयोगी ना बना दिया जाए, उपयोगी ना बना दिया जाए. सो द राइट आंसर इज एल आर मैकाल्विन. जिद्दी से जिद्दी दाग निकालिए अब बस 10 रुपए में. पेश है नया एरियल परफेक्ट वॉश परफेक्ट प्राइस में. निकाले जिद्दी दाग बस एक धुलाई में, अब 10 रुपए वाले एरियल के साथ 25 ग्राम फ्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द एक्रोनिम पोस्ट कोड वाज कॉइंड बाय, जो पोस्ट कोड है जिसका फुल फॉर्म है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ठीक है डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिकॉर्डिंग एंड बजटिंग, ये किसने दिया था, पोस्ट कोड किसके द्वारा दिया गया है. फटाफट बताइए बच्चों, इजी इजी क्वेश्चन है आज वाले पेपर में, बट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. बिल्कुल फटाफट बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13. तेरह में सी जवाब बिल्कुल सही है, लूथर गुलिक और उर्विक, ये पीटर नहीं ये लूथर है, लूथर गुलिक और उर्विक ने ये वाला सिद्धांत दिया था एक आर्टिकल में. उन्होंने पोस्ट कोड यानी प्लानिंग, जो पोस्ट कोड है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिद्धांत दिया गया था लूथर, गुलिक और उर्विक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई इज कंसीव्ड बाय, एक्स और थ्योरी किसने दी है? अब्राहम मास्लो, हेनरी फियोल, पीटर एफ जकर या डगलस मैकग्रेगर, किसने दी है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 14। वेरी गुड बच्चों, शेयर कर दीजिए क्लास को। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सही है, डगलस मैकग्रेगर ने दी है थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। और ये थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई क्या है? थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति काम करने के लिए उत्साहित है, जो उत्साहित है उन्हें इनाम दीजिए, जो उत्साहित नहीं है उन्हें दंड। मतलब इसमें इनाम और दंड का प्रावधान किया है डगलस मैकग्रेगर ने। तो ये थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई में इन्होंने कहा है जो व्यक्ति मोटिवेटेड है उनको इनाम दीजिए, जो मोटिवेटेड नहीं है उन्हें क्या करिए, उन्हें आपको सजा देने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, लाभ प्रभावशीलता क्या है, कैलकुलेटेड कॉस्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल मनी, फाइनेंशियल प्लानिंग या नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इसका जवाब आप दे पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल 14 का सबने जवाब सही दिया है डी। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, फाइनेंशियल प्लानिंग कह रहे हैं राहुल वर्मा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, बी कह रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल, और बताइए। देखिए इसका मतलब है कैलकुलेटेड कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिवनेस एनालिसिस इसको हम बोलते हैं लागत प्रभावशालीनता, प्रभावशाली विश्लेषण। ठीक है, लागत प्रभावशालीनता या प्रभावशाली विश्लेषण, मतलब कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई और उसका प्रभाव कितना हुआ। मतलब आपको 10 रुपीज लॉस हुआ या आपने कितनी कॉस्ट लगाई और कितना उसका प्रभाव हुआ, यानी कि आपको 50 रुपीज प्लस में गए या 10 रुपीज माइनस में। कैलकुलेटेड कॉस्ट बेनिफिट्स या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, दिस इज रिलेटेड विथ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। क्या है कि आपको ये बता रहा है कि कैलकुलेटेड कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लगी और हमारा लाभ या हानि कितनी हुई। सो इट इज रिलेटेड विद ए, ए आपका इसमें सही जवाब है बच्चों। 16वां प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज एक्सपॉन्डेड बाय, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को किसने बनाया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, पीटर एफ ड्रकर, एडवर्ड इवांस, एफ डब्ल्यू टेलर या हेनरी फियोल। फटाफट बताइए बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को किसने बनाया है? बिल्कुल मंजू कुमारी, लाइब्रेरी साइंस में अंग्रेज होना जरूरी है, अगर आप अंग्रेज नहीं बनोगे तो पीछे रह जाओगे बच्चे, जो अंग्रेज हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 में डी बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी फियोल इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेनरी फियोल ने दिया है, ठीक है, हेनरी फियोल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
डी गलत है, सी है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसका जो जनक है वो है एफ डब्ल्यू टेलर। 1911 में एफ डब्ल्यू टेलर की बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1916 में आई थी प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और ये थी आपकी हेनरी फियोल की प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये थी हेनरी फियोल की, और ये थी आपकी एफ डब्ल्यू टेलर की। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है एफ डब्ल्यू टेलर। कैसे कटेगी ये सर्दी है? कैसे कटेगी ये सर्दी? अब कट जाएगी। ये तो Here is the fundamental rule about the law of attraction. If you want the universe to manifest your dreams. Question number 17 hai. Among the following, one of the element is not an element of market mix. Bataiye, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो marketing mix का तत्व नहीं है? फिर से वही आ गया बच्चे, ये तो नहीं नहीं अलग है। प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन या परचेजिंग, अलग है, क्वेश्चन वही है मार्केटिंग मिक्स का। बताइए, मैंने अभी अभी आपको मार्केट मिक्स के फोर पीस बताए थे, फटाफट बताइए बच्चों कौन सा आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, Purchasing is the right answer, ठीक है, Purchasing is the right answer. इस market mix को, ये market mix शब्द है, इसको 1949 में बनाया था, किसने बनाया था? नील बॉर्डन ने, नेल बॉर्डन ने मार्केट मिक्स शब्द का प्रतिपादन किया, ठीक है, नेल बॉर्डन ने मार्केट मिक्स शब्द का प्रतिपादन किया, और फादर ऑफ मार्केट मिक्स है वो है मैककार्थे। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, हु इज द फादर ऑफ मार्केट मिक्स? मैककार्थे। और मार्केट मिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? नील बॉर्डन ने 1949 में इस शब्द का प्रतिपादन किया है, बट फादर ऑफ मार्केट मिक्स इज मैककार्थे। ये दो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मार्केट मिक्स शब्द का प्रतिपादन एंड फादर ऑफ मार्केट मिक्स इज मैककार्थे। चलिए बच्चों अब आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। The central concept of TQM is total quality management की केंद्रीय अवधारणा क्या है? What is the central concept of total quality management? Market mix की बात की जा रही है फिर से, product design, pricing, promotion या purchasing, केंद्रीय अवधारणा क्या है? Question number 18, फटाफट बताइए बच्चों इसकी TQM की सेंट्रल अवधारणा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा हो, प्रोडक्ट का प्राइस यानी कि मूल्य कैसा हो, प्रमोशन यानी एडवर्टाइजिंग या परचेजिंग या खरीद कैसी हो, फटाफट बताइए। कोई बच्चा कह रहा है ई, कोई बच्चा कह रहा है डी, कोई बच्चा कह रहा है ए, प्रेमचंद कह रहे हैं ए, निधि कह रही है ए, वर्षा वर्सेटाइल कोमल हंस रही है और ये जवाब दे रही है। अभी अभी मैंने आपको इसकी अवधारणाओं को बताया है मार्केट मिक्स को, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बच्चों आप।
प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट चार थे ना, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन. अब हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, हर वक्त सेंटर में क्या चल रहा है, हमारा सेंटर में क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे देता है, डिजाइन पे. डिजाइन कैसा होना चाहिए, गुणवत्ता पूर्ण. गुणवत्ता टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो किस पर काम करता है, वो काम करता है हमारे कस्टमर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है. कस्टमर की संतुष्टि यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, गुणवत्ता पूर्ण. प्राइस प्रमोशन परचेज इज नॉट इम्पोर्टेंट. प्रोडक्ट की डिजाइन है या प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए. ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की केंद्रीय अवधारणा है, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19. निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पूछ रहे थे एक बच्चा. अब ये आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत देख लीजिए कौन सा नहीं है, बाकी सारे आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत है. फटाफट बताइए, इसका जवाब मैं दूंगी, कौन सा आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19. अभी पढ़ेंगे बेटा TQM किसने दिया, डेमिंग एंड जुरान. प्रेमचंद ने दे भी दिया नीचे, डेमिंग एंड जुरान ने दिया है. TQM की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले थे डेमिंग एंड जुरान. सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, सिस्टम थ्योरी. बिल्कुल सही नहीं, सिस्टम कंटीजेंसी थ्योरी, इसको बोलते हैं आकस्मिक सिद्धांत. ठीक है, आकस्मिक सिद्धांत है वो आपका मॉडर्न मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आधुनिक प्रबंध का सिद्धांत, सिस्टम मैनेजमेंट आधुनिक प्रबंध का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत वो भी आधुनिक है. कंटीजेंसी या आकस्मिकता का जो सिद्धांत है वो आपका प्रबंध का कौन सा सिद्धांत नहीं है, वो प्रबंध का आधुनिक सिद्धांत नहीं है. इसमें कौन कौन सी थ्योरी आती है, पाथ गोल थ्योरी जो कंटीजेंसी से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी. पाथ गोल क्या है, पाथ गोल को आप ऐसे लिखोगे, पाथ गोल थ्योरी को किसने डेवलप किया है, रॉबर्ट हाउस की. मंजू हिंदी में तुम्हारे लिए लिख रही हूं मैं, रॉबर्ट हाउस की पाथ गोल का सिद्धांत. ठीक है, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने का सिद्धांत है, वो भी आपका कंटीजेंसी थ्योरी से संबंधित नहीं है. फेडलर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये भी प्रबंध का सिद्धांत नहीं, ये प्रबंध का आधुनिक सिद्धांत नहीं है. नोट डाउन करते जाइए, फेडलर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मंजू लिखो फेडलर की प्रबंध का सिद्धांत. ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है और सिचुएशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये भी प्रबंध का आधुनिक सिद्धांत नहीं है. तो चार सिद्धांत हो गए, फेडलर्स, सिचुएशनल, डिसीजन मेकिंग और पाथ गोल थ्योरी, ये आपके कंटीजेंसी थ्योरी है. ये चारों के चारों आकस्मिक प्रबंध के सिद्धांत है, मतलब कोई मुसीबत आई तो आपने प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण किया और ये प्रबंध के आधुनिक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है. सो द राइट आंसर इज कंटीजेंसी थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. तो विच ऑफ द लीडरशिप थ्योरी अ मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन इज कैटेगराइज. देखिए, कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत है जिसमें कि डॉक्टर को आप शामिल करेंगे, डॉक्टरों को किस नेतृत्व के सिद्धांत में शामिल करेंगे. ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेल थ्योरी, इसको बोलते हैं शील गुण का सिद्धांत, J
जीवन चक्र का सिद्धांत, लाइफ साइकिल थ्योरी, जीवन चक्र का सिद्धांत या पाथ होल थ्योरी। पाथ होल को पाथ होल ही बोलेंगे, ग्रेट मैन को बोलोगे आप महान व्यक्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? नेतृत्व यानी लीडरशिप थ्योरी। लीडरशिप थ्योरी कौन सी है? अब डॉक्टर को कौन सा लीडर कहोगे, ग्रेट मैन है या शील गुण है या लाइफ साइकिल है या पाथ होल थ्योरी है? फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बी जवाब दे रहे हैं बच्चों। बिल्कुल, किसने दिया है बी? पुस्तक प्रेमी ने। बिल्कुल, शील गुण का सिद्धांत। जो डॉक्टर में नेतृत्व का है वो शील गुण होना चाहिए, मतलब उसको हर परिस्थिति में संयम और बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। तो डॉक्टर को किस सिद्धांत के अंतर्गत माना है? ट्रेट यानी कि शील गुण सिद्धांत। ग्रेट मैन नहीं है वो। लाइफ साइकिल थ्योरी जीवन चक्र का कोई सिद्धांत उससे संबंधित नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो डॉक्टर है वो है शील गुण के सिद्धांत के, नेतृत्व का शील गुण सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर हम नेतृत्व के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर साइंस या हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो जीवन चक्र का सिद्धांत होता है, नेतृत्व का सिद्धांत शील गुण का सिद्धांत होना चाहिए डॉक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आ गए हम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो संगठनात्मक संरचना है वो क्या है? एक संगठन की संरचना, एक संगठन की स्टडी, ब्लूप्रिंट यानी संगठन की रूपरेखा। मतलब जब भी वो बना भी रही है उससे पहले हम उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। यह स्ट्रक्चर ऑफ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संरचना है, जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी संरचना। संगठनात्मक संरचना क्या होती है? किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठनात्मक संरचना है वो क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का रूपरेखा है या उस होस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है? फटाफट बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल शेयर कर दीजिए मृत्युंजय, धन्यवाद। शेयर कर दीजिए बच्चों और लाइक सब्सक्राइब, जितने लाइक हैं उतने लाइक होने चाहिए। ए जवाब दे रहे हैं बच्चों। लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त को आता है क्योंकि रंगनाथन लाइब्रेरियन थे, और 14 नवंबर को लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी डे, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस आता है आपका 14 नवंबर को। राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस आता है 12 अगस्त को क्योंकि रंगनाथन पुस्तकालय अध्यक्ष थे। नहीं है बच्चों। संगठनात्मक संरचना है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रूपरेखा। सही जवाब है सी, नोट डाउन कर लीजिए। संरचना या उसकी स्टडी नहीं है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाउ मेनी लीडरशिप स्टाइल, अभी हमने लीडरशिप की बात की, डॉक्टर में कौन सा लीडरशिप का गुण होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए रैंसिस लिकर्ट ने कितनी नेतृत्व की शैलियों का सुझाव दिया है? 4, 2, 6 या 3? मंजू मैंने हिंदी में बोला है 4, 2, 6 या 3, ठीक है बताइए। लिकर्ट है वो नेतृत्व के सिद्धांत, उन्होंने थ्योरी ऑफ लीडरशिप, फ्रांसिस लिकर्ट ने नेतृत्व के कितने सिद्धांत बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों बराबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसिस लिकर्ट ने नेतृत्व के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 4, बिल्कुल मयंक राज, 4 सिद्धांतों का। बहुत सही जवाब दिया है रैंसिस लिकर्ट ने, नेतृत्व के 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला है शोषक, ठीक है लिख लो सारे बच्चे जो हिंदी में लिखना चाहते हो। दूसरा है प्राधिकरण या प्राधिकर्ता, ठीक है। तीसरा है आपका शोषक है, प्राधिकर्ता है। तीसरा है सलाहकार,
ठीक है, और चौथा है पार्टिसिपेटिंग यानी सहभागी। चार सिद्धांत उन्होंने दिए हैं नेतृत्व के। शोषक यानी कि लीडर ऐसा हो कि जो शासन कर रहा है और बाकी उसकी मान रहे हैं। प्राधिकर्ता एक एक ओनर की तरह काम कर रहा है, सलाहकार एक दोस्त की तरह काम कर रहा है, सहभागी खुद भी काम कर रहे हैं। नेतृत्व के चार सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, ठीक है, एक्सप्लोटेटिव, ऑथोरेटिव, बिहेवियर या कंसल्टेटिव। एक्सप्लोटेटिव, ऑथोरेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव चार सिद्धांत दिए नेतृत्व के। अब ये हिंदी में इंग्लिश वाले बच्चे खुद करेंगे, इतने से इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, हिंदी वाले बच्चे नाराज हो रहे हैं। अब हिंदी में लिखा दिया, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कमिटी रिकमेंडेड 6.5% ऑफ द यूनियन। किस समिति ने विश्वविद्यालय के बजट का 6.5% पुस्तकालयों के लिए आवंटित करने की सिफारिश की है, बताइए बच्चों। रंगनाथन कमेटी, राधा कृष्ण कमेटी, हंटर कमीशन या कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, हाँ मंजू पे ध्यान देना पड़ रहा है भाई, उसने आते ही कमेंट कर दिया मयंकराज। अब तुम पे ध्यान दूंगी, तुम बड़े बड़े दांत दिखा रहे हो ग्रीन कलर के, तो तुम पे ध्यान दूंगी मैं। बी बिल्कुल राधा कृष्ण कमीशन है, उन्होंने 6.5% पूरे बजट का, यहाँ कोठारी कमीशन ने 6.5 से 10% का सुझाव दिया था। सो द राइट आंसर इज राधा कृष्ण, क्योंकि इन्होंने 6.5 से 10 की बात कही है, तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बाय। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, नया क्वेश्चन, कहां पर उन्होंने जीरो बेस बजटिंग की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में जीरो बेस बजट की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई, पीटर फिया, जी इवांस, डोनाल्ड मेसो या एसआर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, बिल्कुल मंजू एग्री विद यू, पर हैप्पी तो हो, अभी कम से कम कमेंट तो कर दो कि यू आर हैप्पी, ये भी हिंदी में लिखना है क्या मंजू? मयंक, इसको हिंदी में लिखना है तुम्हारे लिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पीटर फियोर ने दी थी जीरो बेस बजटिंग की अवधारणा, ठीक है, और ये अवधारणा दी थी 1970 में। आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, जीरो बेस बजटिंग इज द राइट आंसर 1970 में। नेक्स्ट और भी सरल क्वेश्चन है, बताइए, एक बजट जो पिछले वर्ष के बजट पे आधारित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम को कहते हैं योजना, कार्यक्रम, बजटिंग प्रणाली, परफॉर्मेंस बजट, ठीक है, जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित, और प्रोग्राम यानी कार्यक्रम बजट। परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, निष्पादन, फटाफट बताइए बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, बहुत ही सरल है, सी बिल्कुल सही है आपका, जीरो बेस बजटिंग है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हमने सेलेक्ट किए बच्चों, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, ओके। तो आप लोग अब आपकी जो बात की जा रही है, आपकी किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि आपका नई वैकेंसी आई है, तो नई वैकेंसी आने वाली है, आई नहीं है, नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो ये नई वैकेंसी आने वाली है, इसका क्या सीन रहेगा, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के, बलराम कुमावत, सारे क्वेश्चन बच्चों जितने भी है ना,
निष्पादन बजट, हाँ निष्पादन परफॉर्मेंस, निष्पादन बोला था मैंने भी एक ही गुरेवा। हाँ अब देखिए बच्चों, आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, अभी देखिए वैकेंसी का जो 100% नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये अनुमानित है, संभावित है, कितनी पोस्ट आएगी वो भी संभावना है, बट आएगी जरूर पोस्ट, ठीक है, आएगी जरूर पोस्ट, सिलेबस वही रहेगा। अभी तक जो मुझे पता लगा है, जो आपने 2022 में सिलेबस दिया था वही रहेगा सिलेबस, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी आपके सिलेबस में, ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होगी, जीके में थोड़ी थोड़ी करंट और वर्ड जीके, जैसी पिछली बार आई थी जीके ने आपको हिला दिया था, आप लोग हिल गए थे बच्चों जीके में, तो जीके आपका होगा ही होगा। अभी तक जो कंफर्मेशन आई है हमारे पास सिलेबस, क्योंकि हर बार जल्दी जल्दी इतना जल्दी सिलेबस चेंज नहीं होता, ये कोई खिलौना नहीं, हंसी खेल नहीं है कि आपका बार बार सिलेबस चेंज हो, तो सिलेबस आपका 2022 वाली वैकेंसी का ही रहेगा अभी तक जो है। हाँ डिमांड की जा रही है कि उसमें 2018 वाला सिलेबस किया जाए, तो अभी ऐसी कुछ संभावना नहीं है, अगर 18 वाला भी आता है तो भी आपका जो 22 में है वो तो यूनिट रहेगी रहेगी, प्रैक्टिकल यूनिट है और एजुकेशन साइकोलॉजी जुड़ी गई है ज्यादातर एग्जाम्स में, तो हटनी मुश्किल हो जाती है बच्चों, थोड़ी सी जुड़ना आसान है पर लखनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप बिहार में 9000 मृत्युंजय, यू आर फ्रॉम बिहार, बिहार में 9000 आए, या हो सकता है इट मे बी पॉसिबल 10000 वैकेंसी आए, बट वो काफी समय से आ नहीं पा रही है, वेट कर रहे हो आप लोग भी, सब चाह रहे हो आपकी वैकेंसी आए, तो बिहार में आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, सरकार पे दबाव बनेगा, इलेक्शन के समय में जरूर 100% ये काम हो जाता है। अभी बिहार में भी जो शासन का जो चल रहा है, जिस प्रकार से शासन प्रणाली, वो संतोषप्रद है, नॉट वेरी गुड बट सेटिस्फैक्टरी तो है, तो आप अगर सभी लोग लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल अगर आप दबाव डालेंगे तो बिहार में भी 100% वैकेंसी आएगी, और बल्क में वैकेंसी ना केवल बिहार बल्कि राजस्थान में भी आने की पूरी संभावना है, पीडीएफ डाल दूंगी बेटा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड आया था 21 सितंबर वाले पेपर में, बिल्कुल, तो फर्स्ट पेपर पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, एजुकेशन साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, लाइब्रेरी साइंस तो आप जितने भी बच्चे स्टूडेंट है मेरे एक एक गुरेवा है सब पूछ लो कि कितना पेपर हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो हमने सिलेबस कराया उससे आया था, आप कमेंट्स में कुरेवा यू कैन आंसर, आप आंसर दे सकते हो कि कितना हमारा कवर किया था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्लस एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो कितना कवर किया था जो हमने पढ़ाया उससे। फर्स्ट पेपर है जीके का, वो थोड़ा सा आप लोग सभी काफी बच्चे बोले कि हम जीके के कारण नहीं हो पाए, बिल्कुल लाइब्रेरियन की वैकेंसी बढ़ सकती है, कम तो होने की संभावना नहीं है, इससे ज्यादा ही होगी अब अगर होगी तो, ठीक है बच्चों। तो अब अगर आपकी राजस्थान लाइब्रेरियन की नई वैकेंसी आती है तो आप लोगों के लिए बहुत काम करना है, मुझे भी, मैं 100% दूंगी, आप 200% दोगे तो सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मेगा टेस्ट से बहुत आया था, बिल्कुल गुरेवा कह रहे हैं, और गुरेवा ने मेगा टेस्ट नहीं देखा, नहीं देखा ना बेटा, लाइब्रेरी साइंस में लास्ट में आप लोगों से भी ज्यादा मैं आप लोग लास्ट तक जुड़े रहा करिए, अभी यहाँ भी केवीएस का एग्जाम होगा ना, लास्ट तक आप जरूर से जुड़ा रहिएगा करिए, ठीक है। अब आपको एग्जाम नजदीक है बच्चों, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, ओके स्टूडेंट, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद करें और पढ़ते रहे, ठीक है, बाय बच्चों। वैकेंसीज तो आनी आनी है, आपका भविष्य तो बहुत अच्छा रहने ही वाला है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में।